खबर जींद से, जहां नशे में युवक ने देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। शराब के नशे में ओवरब्रिज के ऊपर युवक चढ़ गया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और युवक को नीचे उतारा गया। तो बता दें कि हाइड्रोलिक मशीन की मदद से उसे नीचे उतारा गया है। करीब एक घंटे तक युवक का ड्रामा चलता रहा। तो नशे में जो है युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है और तस्वीरें भी सामने आई है। युवक के हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें हैं, जहां नशे में युवक ने देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। करीब एक घंटे तक युवक का यह ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद युवक को नीचे उतारा गया है। शराब के नशे में ये था, जिसके बाद उसने ये ड्रामा किया। तो जींद से खबर सामने आई है, जहां जींद में युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। शराब के नशे में ओवरब्रिज के ऊपर युवक चढ़ गया, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और युवक को नीचे उतारा गया। हाइड्रोलिक मशीन की मदद से युवक को नीचे उतारा गया है। करीब एक घंटे तक युवक का यह ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद एक घंटे के बाद उसे हाइड्रोलिक मशीन की मदद से नीचे उतारा गया। ज्यादा जानकारी के लिए विजेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, युवक के हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें सामने आई हैं, क्यों ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, क्या कुछ कारण रहे? तमन्ना, देखिए जो मामला है, शहर के गोहाना बाईपास पर एक और ब्रिज है, उसके ऊपर जो लोहे का स्ट्रक्चर बना होता है वो काफी ऊंचाई पर होता है। इस तरह से कह सकते हैं लोहे के टावर के टाइप में वो होता है, और काफी ऊंचाई पर एक शराब के नशे में एक युवक उसके ऊपर चढ़ गया और जो लोहे के जो एंगल बने हुए थे इधर से उधर घूमता रहा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और वहां पर जो हाइड्रोलिक मशीन भी मौके पर बुलाई गई। जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो एक साइड से चढ़ते तो युवक दूसरे साइड चला जाता था। इस तरीके से वो एक घंटे तक ऐसे ही हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। इस दौरान काफी भीड़ वहां पर जमा हो गई और भीड़ में खड़े दो तीन युवक अलग अलग जो खंभे थे, जो पोल थे पुल के ऊपर, उनके ऊपर चढ़े और उसको चारों तरफ से उसको घेरा गया। तब जाकर हाइड्रोलिक मशीन को ऊपर उठाया गया ऊंचाई तक और उसमें बैठाकर उसको नीचे उतारा गया। उसके बाद उसको जो है घर की तरफ लेके गए। हालांकि इस पूरे घंटे के दौरान जो है पूरी भीड़ वहां पर जमा हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नशे में था और नशे की लत के चलते उसने नशे की आदत के कारण वो ओवरब्रिज के ऊपर बना जो लोहे का स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर चढ़ गया और एक घंटे तक जींद के अंदर उसने हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर किया। जी तमन्ना जी, विजेंद्र, किस समय की घटना है, रात के समय इस ड्रामा जो है इस युवक ने किया? ये रात के 9 बजे के आसपास की घटना है, जब युवक अचानक पुल के ऊपर चढ़ गया। हालांकि आमतौर पर उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, एक तो ओवर ब्रिज की ऊंचाई होगी और ओवर ब्रिज के ऊपर एक और लोहे का जो स्ट्रक्चर, जो लोहे की पाइप बनी होती है उनके ऊपर चढ़ना एक बहुत ऊंचाई का एक मामला था और युवक जो है नशे में था, जिसके कारण वो पाइपों पर इधर से उधर ही बेको जो है घूमता रहा। लेकिन जो वहां पर कर्मचारी हैं उनकी सांसें थमी रही, वो काफी प्रयास करते रहे। एक घंटे तक उन्होंने प्रयास किया लेकिन जब युवक उनसे नहीं उतरा तो स्थानीय लोगों ने मदद की, चारों तरफ से उसको घेरा गया और हाइड्रोलिक मशीन में उसको बैठा कर नीचे उतारा गया। जी विजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।